यानी दोस्तों ये वंश डेयरी प्रीतम चोपड़ा जी हैं, गांव समारा, हरियाणा में जिला करनाल, इंदिरी रोड पर है इनका फार्म और दूर से दिखाई देता है बड़ा सुंदर। एचएफ दिखा रहे हैं, जो पशुपालक जिन्होंने खरीदना है वो भी आए हुए हैं, आज सबसे बात करेंगे, आइए। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नीलेश नंद कुमार पोदार। पोदार कहाँ से हैं? सांगली, महाराष्ट्र। कितना पढ़े हो? मैं ग्रेजुएशन पूर्ण किया है। ग्रेजुएशन किया? हाँ। फार्मर हो? हाँ फार्मर। कितनी खेती है? खेती तो 8 एकड़ है। 8 एकड़ है। गाय? गाय पहले से मेरे पास 8 है। अब मैंने 8 खरीद लिए। अच्छा, तो खुद ही करते हो अकेले? हाँ। पिताजी? पिताजी भी है, साथ देते हैं। अच्छा, भाई? भाई भी है। सब साथ में करते? हाँ सब साथ। कितना दूध हो जाता है? अभी तो कम है। अब कितना हो जाएगा? अब तो 250 लीटर के पास हो जाएगा। 250 लीटर हो जाएगा। हाँ। तो पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? पैसे थोड़े घर से थे पहले, और थोड़े कहीं से कर्जा तो नहीं लिया? नहीं, बैंक से थोड़ा लिया है। कितना? 4 लाख रुपए। तो ब्याज? ब्याज तो उसका 1.5% है। हैं? 1.5%। अच्छा, सरकार कुछ और मदद करती है इसके अलावा? अभी तो फिलहाल नहीं है, कुछ नहीं करती। कुछ भी नहीं। वोट देने नहीं जाते? वोट देने जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ की तरह उधर सरकार कुछ मदद नहीं। मंत्री उन्त्री मिलते नहीं है पशुपालन के? नहीं, कुछ नहीं। बड़े निकम्मे लोग हैं। बहुत बड़े। क्या भाव बिकता है दूध? दूध अभी तो 37 रुपए हो गया। 36 37 हो गया। तो खेत में बोते क्या हो? चारा ही सारा? हाँ, चारा बोते, गन्ना। अब तो चारा ही बोना पड़ेगा। हाँ। इनका आय के लिए चारा। तो इनके पास कैसे पहुँच गया? आपके माध्यम से पहुँचे। हमारे माध्यम से? हाँ। हम इसकी तारीफ तो करते नहीं है। तारीफ करते नहीं है, लेकिन गाय भी अच्छी मिलती है, दाम भी अच्छे है, और बाकी कुछ दूसरी जो बात है, महाराष्ट्र के बहुत लोगों के साथ हुए। इसको जैसे मर्जी दबा लो दब जाएगा। कौन? ये ऐसी कोई बात नहीं। अब कितने पैसे छुड़वाने बताना, भी छुड़वा दूंगा। ये गाय दिखाई है? हाँ जी। ये ब्रीड में? प्योर में। ये बहुत कम देखने को मिलती है ऐसे मुंह वाली। ये तो कंपटीशन लेवल की बछड़ी है जी। हाँ, तो उसका मुंह देखो। ये दांत है सेकंड बार। कौन सा सीमन की है ये? ये तो वर्ल्ड वाइड की बोल रहे थे जी। कितना दूध वाली? फार्म से, अच्छे फार्म से आई। ये कम से कम 45 लीटर वाली। कब तक ब्याएगी? 1 महीना के आसपास टाइम है। 1 महीना? हाँ जी। तुमने कहीं ट्रेनिंग वगैरह की है इसकी? नहीं। ऐसे करोगे? हाँ, मेरे पास 1.5 साल से है गाय। आपके हिसाब से कितना दूध दे देगी? फार्म की है, बोल दिया है उन्होंने 42-45 करेगी, लेकिन 40 लीटर देगी तो भी चलेगी हमारे वहाँ। तुम संभाल लोगे? हाँ संभाल लेंगे। तो जरूरत पड़ेगी तो इससे पूछते रहे ना। हाँ पूछते रहेंगे। ये इसने ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है तो? हाँ। क्या दाम की है ये? ये दाम अंकल जी ने, इनका काम है सेल परचेज का, तो दाम तो ये बताने के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा, बताएंगे? हाँ, दाम के लिए मना कर दिया ना। बाकी गाय इन्होंने टोटल मेरे ख्याल से 18-19 ले ली हैं, 20 लेनी है इन्होंने। अच्छा। इनका काम है सेल परचेज का, भाई एक दो घर रख लेंगे। चलो, बाकी भेज देंगे इनके धंधे में। अगले लो। ये इतनी बड़ी गाय दिखा रहे हो? हाँ जी। हैं जी। तो ये कूपन निकाल क्यों चल रही है? ये तीसरी बार की है जी। अच्छा। हाँ जी। लंबी तो बहुत है। ब्रीड में है जी। दूध कितना देगी? ये 50 लीटर के आसपास देना चाहिए। दे देगी? बिल्कुल देगी। हाइट ही देख लो ना गाय की आप। अच्छा, मतलब अभी भी देखो टांग? लोग बोलते हैं ना, अगर भाई छोटी है बड़ी है सारी तरह की है, कैसा मर्जी माल ले लो, पैसे देने लगते हैं। ये कब तक भी आएगी? इसका भी 1 महीना 5-6 दिन बाकी है। अब तुम 50 लीटर बोल रहे हो? बिल्कुल देगी अंकल जी। आप अपने इनकी तसल्ली कैसे होगी? इसको अपने सारा पता दिया उन्होंने। दे देगी आपके हिसाब से? हाँ, बोल तो दिया उतना, लेकिन एक हमारे यहाँ रिकॉर्ड देखा है उसका। रिकॉर्ड है सारा कुछ, A to Z। टॉप फार्म से आई है, कोई हड़के फार्म से नहीं आई। आप अपने आप ही देख लो जी, 7-8 क्विंटल तो बैठा है गाय में खुद जी। बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है। तो क्या दाम की है ये? दाम तो इन्होंने ले रखी है। नहीं बताओ? मैं तो बता दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा। इनको फर्क पड़ता है? इनको पड़ जाएगा। हाँ जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम। मैं जो हर आदमी जानता है, अगर यहाँ से 80 में खरीदिए तो 20 लाख का खर्चा तो आना ही है। अंकल जी, जो मेरे बिकाऊ गाय है ना, वो भी दिखाऊंगा मैं, उसका 1 मिनट में रेट बता दूंगा आपको, तो इसमें फर्क पड़ता है। अच्छा, वो तुम्हारे कई आदमी पैसे लेके भाग गए? हाँ जी। तो वो पैसे किससे, इनसे वसूलोगे? नहीं, इनका क्या मतलब है? इससे किससे वसूलोगे?
उसी से ही वसूल जाएंगे जो लेके बाहर। वो तो आएगा नहीं तो आया जी, 70,000 तो आया उसके। 70,000 तो आया जी। आगे कैसे आ गए? आया जी, बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर? हाँ जी। हाँ जी, पहले इनसे पूछते हैं जी, क्या कहोगे इसके बारे में? ए, दूसरे वेत्र में। अच्छा, 35 लीटर बोल दिया। 35 लीटर। वैसे अपने अपने में तीनों ऊपर हैं। ये थोड़ा क्रॉस है जी, इसमें इसमें 10% क्रॉस है, प्योर नहीं है, 100% प्योर नहीं है, 10% क्रॉस है जी इसमें। कितना देगी दूध ये? देना चाहिए जी 35 लीटर तो। ये 35 बता रहे हैं? बिल्कुल जी। कितना समय बाकी है इसके? भी 1 महीने के आसपास पड़ा जी। 1 महीना? हाँ जी। जाके बेरा क्या जी, जो तैयारी वाले लगते हैं ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है। तो इनको सीमन जो है नॉर्मल लगा हुआ है? ऐसा है जी अंकल जी, फार्म वाले तो ऐसा नहीं है, फार्म तो जिस जोन सी फार्म से बच्ची आएगी वो तो वर्ल्ड वाइड के ही एबीएस डेनमार्क ही लुआएगा। और ज्यादातर 99% सेक्स सीमन लुआते हैं। फिर इनके अंदर तो हम यकीन ही कर सके अंकल जी, मैं इसको बोल के ले दूं ये बछड़ी देगी, 1% बछड़ा भी दे सकती है जी। चौथे नंबर पर आ गए। हाँ जी, पहले 42 लीटर दूध वाली बताई। हाँ जी। फिर 50 वाली दिखाई। हाँ जी। तीसरे नंबर पे 35 लीटर दिखाई। हाँ जी। और अब जो है 40 लीटर वाली। ये 40 वाली? बिल्कुल जी। कौन सी ब्याह था ये? सेकंड की है जी। सेकंड की? हाँ जी। तो कर्म क्यों है? ये सीमन का फर्क है जी। अच्छा। कोई सीमन कैसा है जी, कोई कैसा है जी। जैसे प्योर प्योर में तो यही मिलेगी आप। कितने दिन दूध देगी ये? तो अभी ड्राई किया है, ये सोच लो इसका 25 दिन बाकी है। कितने में ड्राई हुई? ये 15 लीटर के आसपास जी। अच्छा। हाँ जी। क्या कहता आपका मन? अच्छी है। आपके पास तो पहले है। हाँ। वैसे अगर काम बड़ी गाय रखनी हो ना हाँ। तो पहले ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। फिर आदमी धोखा नहीं खाता। अनुभव अंकल जी, 1.5-2 साल में गाय ले रहे हैं। कितने साल हो गए? 1.5 साल से। कितनी खरीद चुके हो? पहले तो मेरे पास बड़ी वाली 8 है। नहीं, खरीदारी कितनी कर चुके हो यहाँ से? टोटली कहीं से भी? टोटल बाहर की है सब। कितनी खरीद? 500 खरीद चुके? नहीं इतने नहीं। हाँ, इतना नहीं अनुभव है। कितने कमा लेते हो? महीने का 30-40 हज़ार अभी तो बचता है। अच्छा, 30-40 कम बचता है तो अभी गाय भी तो कम है एकदम। नौकरी कितने की मिल जाती है? नौकरी तो नहीं, खेती ही करते ज़्यादा। अगर बीए करके जाओ ऑर्डिनरी तो कितनी नौकरी मिल जाएगी? नौकरी तो अभी नौकरी जब 25,000 की लग जाएगी बस। फिर गुलामी भी है फिर। चलो, कौन सी ब्याह की है? ये तीसरी बार बच्चा देगी। तीसरी बार? हाँ जी। कितना दूध वाली है? दूध देगी 30 लीटर ही। अब कब तक भी आएगी? 1 महीना 7-8 दिन बाकी है, 10 दिन लगा। चलो, ऑर्डर ठीक है इसका? हाँ बढ़िया जी, सारा चेक। अच्छा, निकालेगी? थन चेक करके लो जी, थन की गारंटी होती है प्रेग्नेंट की। अच्छा। हाँ, कैसे चेक करते हो? ये चेक कर लेते हैं जो अनुभव है जिसको। क्या चेक करना होता है? बूंद आता है जी थनों में। अच्छा। हाँ जी, जो चिपचिप है वो ओके है, जो ना हो चिपचिप वो आने के नहीं जी उसमें। तो गंदा सा पानी आएगा या छेछड़े आएंगे उसको पता लग जाएगा जी। तो क्या दाम की है ये? दे देंगे जी इस टाइम 65,000 रुपये। तो तीसरे ब्याह में? हाँ, तीसरे में जी। फिर 65,000 की क्यों दो? ब्याहने पे इसका क्वालिटी तो देखो नहीं पाएंगे। 55,000? नहीं, 65,000 रुपये की देंगे। तुम कहते बहुत रूखे आदमी। नहीं नहीं, रुके क्या, खरीद के ले आए अंकल जी। हम कौन सा कहते चुरा के लाए हो? 1,000-2,000 बचेंगे हम भी प्रॉफिट में दे देते हैं अंकल जी। 55 में? नहीं नहीं, 65,000 रुपये की, 1,000-2,000 मान सम्मान करके। 60 में? 62-63 में। चलो, ये भी वैसी है? ये थोड़ा कम दूध वाली है। कौन सी ब्याह की है? दूसरी बार की। दूसरी बार? हाँ जी। कितना देगी दूध? ये 22 से 25 लीटर के आसपास। 22 से 25 लीटर। इसका टाइम कम है जी, 15 दिन पड़े हैं जी। अच्छा, तो इसका दाम क्या होगा? इसकी इन्होंने ले रखी है जी दाम तो मैं। आपने खरीदी है? हाँ, आपने खरीदी? हाँ, अंकल ने खरीदी। कितने की खरीदी है? इनका सेल परचेज का काम है। इसका लड़का बोल देगा जी, उसको आगे बेचते हैं जी ये लोग ले। ठीक है। हाँ जी। चलो, जो मेरी है जी उसमें आपको 1 मिनट में बता दूंगा मैं इस रेट की है। वो धान काट ली है? हाँ काट ली। कितने हुए? 9.5 लाख के आसपास। एक एकड़ में कितने निकले? 90,000 भी लिख रहे, 95 भी लिख रहे जी, 80 के भी लिख रहे, 85 के भी लिख रहे, अलग अलग रेट है। मन नहीं, 1,000 के जी। नहीं, 25 क्विंटल, 26 क्विंटल। 25? कौन सा था? 1509 थी जी। और जी 26 थी जी, 14 थी जी। 26 तो पंजाब की?
नहीं 26 तो पंजाब की है, हरियाणा की भी है। अच्छा 126। तो क्या भाव लगा? 1500 का 3000 से लेके 3600 तक जी। हाँ 14 का 2200-2300 जी, 26 का भी 2200-2300 इसके आसपास। पैसे माँ को दिए? माँ को क्या जरूरत था, उस पर अपने बता रहे हैं। अच्छा माँ के हमारे माँ में क्या फर्क है? घरवाले को दिए? नहीं किसी को भी नहीं, इसमें लग जाते हैं सारे। एक गौ माता ले आनी पड़ती है ना जी, इनको देने पड़ते। वो पराली जो बची फिर उसको आग लगा दी? नहीं नहीं आग नहीं लगा। हाँ नहीं ऐसी पड़ी है जी। क्या पानी छोड़ दिया जी काट के? आग लगाओगे? नहीं अब कहाँ लगे, उसमें ऐसे ही गेहूँ बो दो। हाँ ऐसे बोएंगे जी, गल जाएगी थोड़े दिन में, पानी दे दिया ना जी गल जाएगी उसमें। लोग तो कहते गलती नहीं है। नहीं गल जाती है जी। फिर आग क्यों लगाते हैं? पता नहीं जी और किसी का क्या कह सकें। इब की बार तो गवर्नमेंट 1000 रुपये एकड़ की दे रही है जी। तो आपको 9000 अलग मिलेगा वो उठाने वाले के लिए, जो उठाएगा? हाँ वो जो बंडल मगर आपको नहीं मिलेगा? नहीं जो जिसका गवर्नमेंट दे रही है, आपने पहले अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अच्छा। 1000 रुपये उठाने वाले को। हाँ। फिर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अकाउंट में सब्सिडी में भाई उन पर उठवाओ। इसकी बनावट के बारे में क्या कहोगे? ये भी दूसरे की है जी, 6 दांत हम उसे इन्होंने लिया ये भी। अच्छा हाँ जी। कितने कब तक भी आएगी ये? पड़े आज 20 दिन जी। 20 दिन? हाँ जी। कितने दूध वाली है? देना जी है जी 30 से 32 लीटर के आसपास जी। ब्यांत? ब्यांत दूसरी बार के 6 दांत। 30-32? हाँ जी अभी टाइम पड़े ना 20-25 दूसरे ब्यांत में। हाँ जी 6 दांत। हाँ जी। अच्छा तुम ये बताओ जी कि जब जेर रुक जाती है। हाँ जी। क्यों रुक जाती है जेर? तो कई कारण हुआ जी, मौसम भी होता है अंकल जी। कई बार कमजोर पशु को ज़्यादा रुक जाती है जी, जो कैल्शियम नहीं देता, फास्फोरस नहीं देता, मिनरल मिक्सचर नहीं देता, उसके कारण भी रुक जाती है जी। ये यूरिया का घास खाते हैं जी, सारा सारी मेहरबानी यूरिया की है। यूरिया की है? हाँ, कमाल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिसको पता है जी फार्म वाले की कम रुकती है जी, क्योंकि वो मिनरल मिक्सचर वो सारी चीज़ रूटीन में देता रहता है। फीडिंग सही रहती है? हाँ बिल्कुल जी। कमजोर जानवर की ज़्यादा रुकती है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी। इसमें ये लगा लो पशु जब तक सफाई नहीं होती जब तक पूरे दूध पे नहीं चलता। अच्छा अगर दूध पे तो नहीं चलता, अगर अंदर रह जाए तो क्या नुकसान होता है? अंदर रहे पर नुकसान तो कुछ नहीं जी, पस गिरेगी जी वहाँ। इतना बच्चेदानी की प्रॉपर सफाई नहीं होती, इतना दूध पे नहीं चलेगी जी। नहीं चलेगी? हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा जी। तो टाइम से जेर गिरने के लिए फिर क्या करते हो? जैसे ब्याह जाती है देसी भाषा में, जैसे बच्चे देती है साथ के साथ 15 मिनट बाद बच्चा लगा के दूध निकाल के उसमें गुड़ डाल के पशु को पिला देते हैं जी। और थोड़ा देसी भाषा में गेहूँ होती है सबूत, वो डाल देते हैं 1-2 किलो। तकरीबन 95% तो डाल ही देता है जी। 5% होता है उसको फिर दवाई पिला देते हैं जी, हरबोलिन हो गया, हरीरा होगी, 200-200 ml करके आधा लीटर 2 घंटे में पिला देते हैं। तकरीबन घेर ही देती है, कोई कमजोर जानवर होगा जो नहीं घेरेगा। ये किसान क्या की? नहीं फार्म से। यही फार्म? हाँ जी। पेड़ बहुत फैला हुआ? नहीं फार्म किए अभी इसके 15-16 दिन पहले बच्चा देने। लग स्कोर तो बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा क्रॉस है जी, ये प्योर में नहीं जी। हाँ हाँ जी क्रॉस में 15-20% फार्म वाली तो पेड़ छोड़ती नहीं है। नहीं पेड़ नहीं है जी। हाँ। लग रही है आपको देखो। अच्छा ये कब तक की भी है जी? 15-16 दिन पड़े हैं बच्चे ब्याने में। हाँ जी दूध देगी 2.5-2.5 लीटर तक आराम से। ये हाँ जी सेकंड ब्याह? हाँ जी बिल्कुल जी। ठंडी शरीफ है बिल्कुल जी, 6 दांत है मुँह से जी। हाँ जी ये कोई ये फोर सेल है जी, कोई लेगा दे देंगे इसको 65,000 रुपये। 28 लीटर दूध आराम से जी बिल्कुल। 60,000 की तो हम मिल जाती है? आप भी लेने लगेगा जी? हम जाते नहीं है वीडियो नहीं, मगर खरीदने लग गई हो आप भी। फिर आपको 60 की दे दूंगा आपको तो। 60 की बेच दोगे? नहीं नहीं आपको दे दूंगा 60 की। और को नहीं दोगे? पैसे तो 62-63 हज़ार की। 61 में दे दोगे? 62 की दे देंगे। 62 में दे देंगे। 60 में भी कर दोगे तो क्या है? खरीद पीछे को दे के आए अंकल जी, 1000-2000 रुपये बढ़ने हैं इसमें, ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा लालच नहीं करते हम, थोड़े ही करते हैं। अच्छा तू एक बात बता, अगर तुझको हम पशुपालन मंत्री बना दें हाँ जी तो क्या करोगे सबसे पहले? पशुपालन मंत्री बनाएगा नहीं कोई हमको। नहीं मान लिया हमने तुमको बना दिया हाँ जी, तो क्या करोगे? करना क्या था उसमें जी, किसानों के क्या हित में करेंगे जो करेंगे। क्या सुधार करोगे? सुधार तो बनाएगा नहीं कोई, जो चीज़ का हो ही नहीं सकता उसके बारे में क्या सोचना।
मैं तो हो ही नहीं सकता अंकल जी, वो हो जाए तो हो ही नहीं सकता जी। अच्छा, नामुमकिन है। नकली दूध रुकवा दो। नकली दूध ने तो काम खराब कर रखा, मैंने आपको बताया भी था पीछे, सारा नकली दूध का तो कारनामे है, हो जाएगा थोड़े दिनों में बंद, देख लेना। जिसने अपने बच्चे बिचाड़े हैं ना जी, कौन कराएगा? जिस जो पहली बात तो जो दूध पी रहे हैं ना, उसको ही सोचना पड़ेगा। नहीं, आप दूध ले रहे कहाँ से? एक काम हो जाए, हाँ जी, कि जहाँ पकड़े जाए ना जी, उसको जी भर के पिलाओ, पियो दो। हाँ जी, दे रखे अंकल जी, जिस जिसने अपने बच्चों को अपने आप दूध पीना ना, उसको ही सोचना पड़ेगा सबसे पहले तो, तभी सुधार होगा कुछ। लेकिन जो अपने बच्चों की नहीं देख रहे, ऐसी कमाई का क्या फायदा अंकल जी? वो देख रहे हैं अभी 60 रुपए किलो की जगह 40 मिल रहा है, ये देख रहा है, तू जहर पिला रहा अपने बच्चों को। एक जगह पकड़ा गया, हाँ जी, तो पहले तो कई बार शिकायत किए, नहीं किसी ने ध्यान दिया, एक बार फिर हमने पूरा पीछे ही पड़ गए कि बताओ आखिर क्यों नहीं पकड़ते आप लोग, तो कहते चलो, तो ट्रैप लगा के उसको पकड़ा। हाँ। तो उसके बाद में उसको हमने कहा कि देखा तो यूरिया के बोरे पड़े हुए थे तमाम वहाँ पे, तो उसने ना, हाँ वो बनाया, उससे कहा कि तुम पी के दिखाओ, वो माना ही नहीं पीने को, पीने के लिए माना नहीं। तो बाद में वो पकड़ के अंदर कर दिया, थोड़े दिनों बाद जमानत पे बाहर आ गया। अच्छा रेट हो जाए, किसान खुशहाल हो जाएगा। दूध का अगर 60-70 रुपए किलो प्योर दूध, तो 60 रुपए किलो भी कोई महंगा नहीं है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।